दाऊद मक्का में मजे आल आते के लिए। आपका नाम क्या? श्रीराम। श्रीराम, वहाँ पे वहाँ से यहाँ आए हो, क्या कहना चाहोगे, कितनी मुश्किलें आती है वहाँ पे, जो जिस वजह से? बस जैसे भी वहाँ पे सही थे, अब यहाँ पे आ गए, ये हमारा देश आ गया है, यहाँ पे हम रहना चाह रहे हैं। अच्छा, यहीं पे रहना चाहते हैं। हाँ। वहाँ पे क्या क्या दिक्कत आती थी, वहाँ पे कहाँ रहते थे, क्या दिक्कत आती थी, उम्र क्या? वहाँ पे रहते थे हम लोग, तो सही था, हम लोग सही थे वहाँ पे, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सही है, बस दिक्कत तो कोई नहीं। वापस नहीं जाना चाहते? वापस नहीं जाना। क्यों नहीं जाना चाहते? बस बस यहाँ पे हमारा देश यहाँ पे है ना, इसलिए हम यहीं पे रहना चाहते हैं। आपका मुल्क कौन सा है? इंडिया है। पर आप कहते पाकिस्तान में? जन्म वहाँ पे, जन्म वहाँ पे। क्या हालात क्या है वहाँ के, क्या मुश्किलें पेश आ रही है? बस अभी फिलहाल तो मुश्किल नजर आती होंगी वहाँ पे, जिसकी वो तो है मसला, हर चीज का भी है, सुधर भी सही है। यहाँ रहना चाहते हैं हिंदुस्तान में? हाँ। क्या रिक्वेस्ट करेंगे सरकार को, भारत सरकार को? नया कानून है, उसके तहत आपको नागरिकता मिल सकती है। हाँ ठीक है, जवाब परिवार आए ने ते एना बारे की कहोगे की होया जी पाकिस्तान ते जेड़ा तुसी अज जेड़ा नु लैण आए? ये चार फैमिली सीगियां जिन्हां दे संपर्क च मैं काफी लंबे समय तो सीगा, और इन्हां दे परिवारां नाल अलग अलग परिवार नाल अलग अलग किस्म दे ऐसे घटनाक्रम कटे जिहड़े सारे दे सारे ही बच्चियां तों रिलेटिड सीगे, और उन्हां नू जो जिस तरीके तशद्दुद कीती जा रही सी उन्हां दी बच्चियां दे नाल, किसी की बच्ची नूं अगवा करन दी गल कीती गई, किसी नूं कर लिया गया, किसी दे नाल बहुत माड़ा होया, जिहड़ा मैं शायद टीवी ते भी नहीं बोल पाऊंगा, ना ही दसना ठीक होगा, उन्हां दे परिवार दी इज्जत दे चलदे, और जिस दे चलदे उन्होंने साडे नाल संपर्क बनाया, और मैं उन्होंने विश्वास दवाया सीगा कि असीं तुहाडी जरूर इमदाद करन दी कोशिश करांगे, और मैनूं बड़ी तसली आ कि उन्हां परिवारां नूं उत्थों उस नरक चों कढ़न च असीं कामयाब होए हाँ, और हुण इन्हां नूं इत्थों दी नागरिकता मिले। ये वास्ते मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने ऑलरेडी इतों के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने गलबात की सी, और उन्होंने अश्योर किया कि मैं इन्होंने परिवारों की मदद करके उन्होंने नागरिकता दूंगा। सर की उन्होंने की समस्या, मेन की समस्या दसी? देखो सब की समस्या वड्डी तो एक ही आ, जी उन्होंने बच्चियों धर्म परिवर्तन के जबरदस्ती जी किया जाता है, एक परिवार की तो बेचारे की एक बेटी ऑलरेडी कर चुके ने, लै गए ने, और हुण उन्होंने दूजी बेटी 8 साल की आ, बेचारे इसे गल से रोज डरते हैं कि ये जो कुड़ी साड़ी 13 साल की होनी, 14 साल की होनी है, फिर चुके लै जानी है। सो इन्हां दे इन्ने माड़े हालातों चो उत्थे निकलते पए ने, नरक वर्गो जीण नूं मजबूर हो रहे ने। सर उन्होंने मतलब होर भी इस तरह लोगों नूं जानबूझ के कर रहे ने? नहीं देखो, आप सब नूं पता कि पाकिस्तान अंदर तो जिहड़ा एक धर्म बदलण दीआं फैक्ट्रियां चलदीआं पईआं ने, मियाँ मिठू वर्गे लोग जिहड़े ने उन्हों का काम ही है रोज दे चार चार पांच पांच परिवारों को जबरदस्त उन्होंने धर्म बदलते हैं, और कोई भी लड़की उसे सिर्फ उत्थे यही दिखाते हैं लड़की ने धर्म बदलिया, कभी यह नहीं कहते कि किसी आदमी ने धर्म बदलिया हो, किसी औरत ने धर्म बदल के भैन बनी हो, किसी की माँ बनी होवल, एक ही गल कहते हैं कुड़ी ने धर्म बदल लिया और बीवी बन गई, कुड़ी ने धर्म बदल लिया और बीवी बन गई, कभी यह नहीं कहेंगे कि 40 साल की औरत ने धर्म बदलिया या 50 साल की औरत ने धर्म बदलिया या किसी आदमी ने धर्म बदलिया। तो यह बड़ा स्पष्ट है कि नौजवान बच्चियों चुकते हैं, अगवा करते हैं, उन्होंने कहते हैं तुम्हें मुसलमान बढ़ा दिता, हूँ वह वापस जा नहीं सकते, अगर वो मुसलमान का धर्म छड़ते हैं तो ईश निंदा कानून के तहत उन्होंने सजाए मौत मिल जाती है, इस करके उन्होंने कोई विकल्प नहीं मिल रहा हूँ, उन्होंने गल मन लावा वो चाहे निकाह कहो, 14 साल की महक जी लड़की 14 साल की गुरु जी सा जगजीत कौर अगवा की हुई इन्हें दिन तो बिठा रखी 17 साल की, इस तरह रोज ही वो लड़कियां 14 साल 13 साल की लड़कियों अगवा करके लै जाते साजिश ही है, और की है जी कमाल है, इतने सीधा धर्म से हमला है, साजिश की है, और बड़ी सोच समझ के करते पे ने, कि उन्होंने मकसद यह है कि असं जेड़ा ये इस्लामिक कंट्री है और असं किसी होर जीन नहीं देना, और किसी का अधिकार नहीं इतने है। सर जिस तरीके किन्ने परिवार जो ने इधर आने सारे ही ने जी, तुम जिन्हों कह दो सारे ही आने वाले बैठे ने, अगर एक दिन बॉर्डर खोल दें तो सारे सारे आ जाएंगे, क्योंकि उत्थे तो जिस हालातों च रह रहे नरक के बराबर ने, और उन्होंने नाल आप सबनों ही पता है और सारों ही पता कि उत्थे जो हालात बने हुए ने जीण लायक है ही नहीं, और ता ही तो भज भज के एक दिन के अंदर 100-200 परिवार कितों भज भज के जान दूजे मुल्क अंदर वड़न, ये तो तुम महसूस कर सकते जे किन्ने बुरे हालात ने। देखो जे परिवार ने इन्हां नाल असीं गलबात करन तों बाद ही जी इन्हां दे हालात जानन तों बाद देश के गृह मंत्री जी ने इन्हां दे हालातों तो वाकफ कराया है, और जिन्नी तशद्दुद इन्हां ने चली उहदे बारे दस्सिया, जिस तरह के नाल इन्हां नाल शोषण होया, जो इन्हां दी बच्चियां दे नाल होया, वो सारी जानकारी सरकार नूं दित्ती, और सरकार ने आश्वासन दवाया सीगा कि असीं हर ਤੰਦਰ ਨੇ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?
अब देखो मैनू नहीं लगता उन्होंने करना चाहिए यार, किसी की धी भैन तो सब दिन सांझियां ने और जो परिवार ना बीतता पिया साडा सब का फर्ज बनता उन्होंने बाह फड़ना और पंजाब ते सिख जिहड़ा है वह एक सूबा है और सिखां दा ते खास तौर पर फर्ज बनता जरूरतमंद बंदे दे नाल खलोना। मैनू नहीं लगता कि कोई इस तरह की अड़चन उन्होंने वास्ते पैदा करनगे, करनगे तो बहुत माड़ा रब नूं जवाब दे होणगे, लेकिन किसी नूं करनी नहीं चाहिए। परसों मिलांगे जी, सारे परसों मिलांगे सब परिवार नूं लैके अमित शाह जी नूं परसों।